नहीं, हम अपने चैनल में बोलेंगे, हम अपना ब्लॉग में बोलेंगे, इसलिए कि ऑडियंस मेरा हमारे मुंह से सुनना चाहता है। मेरे ब्लॉग में तुम छिनगा दिया है हमको, इसलिए तुम अभी भी आज कमेंट किए सबके, पैसा के लिए नहीं बोल रही हैं, तुम्हारे ब्लॉग में पैसा के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्या क्या सिखाई हैं, बोल रहा है लोग सब भाभी सिखाई हैं। मतलब तुम बदल गई है भाभी की वजह से, ऐसा कुछ है क्या? नहीं प्लीज, आप लोग ऐसा मत कीजिए, ताकि उनको भी बुरा लगेगा, करने का मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसमें जोर से बोल रहा था, इसमें उनकी क्या गलती, और वो मुझे, मैं कोई थोड़ी बच्ची हूँ जो मुझे सिखाएंगे कुछ भी। फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए गाइस, वीडियो को लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हमारे घर पे, और अभी कहाँ तक काम पहुँच गया है, और बहुत जल्द जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों को होम टूर भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अभी हम आए हुए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि छोटा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। तो गाइस, यहाँ पर धनिया सिंह है, आइए। काफ़ी दिनों के बाद आप एंट्री लिए हैं, और ये चले गए थे मौसी के घर, अभी गर्मी का छुट्टी हुआ है तो ये प्लानिंग किए हैं कि वहाँ अभी नहीं जाएंगे, घर का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। तो आप क्या जाइएगा? अभी नहीं जाइएगा, कुछ घर का दिक्कत। तो जैसा जैसा माहौल होगा वैसा, कैसा लग रहा था वहाँ पर आपको, मन लग रहा था? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मौसी का घर तो अच्छा लगता ना चाहिए वहाँ पे, जैसे कि पहला दिन तो अच्छा लगा होगा। पहला दिन अच्छा गया, दूसरा दिन जैसे होता है ना कि कोई अपना अकेलापन महसूस बहुत होने लगा, तो फिर हम याद किए तो मौसा जी बोले अभी नहीं जाना है तुम्हें, और मौसा जी तो मेरे बहुत अच्छा लग रहा था कि जाल में फंस गया है क्या, मन नहीं लग रहा था, अपना फ़ोन भी नहीं लेकर गए थे कि हम किसी से अपने फ्रेंड से दोस्त किसी से भी बात कर पाएँ, तो हमको कॉल लगाया था कैसे, तो मौसी के फ़ोन से भैया को कॉल किए, भैया उठाए तो पूछे अब तुम्हारा क्या होगा, ये वो पूरा हमको ऐसे कर दिए थे। तब फिर उसके बाद वीडियो बना के डाले, तुम्हारा मम्मी देख ली, मम्मी देखी कि नहीं? देखी। चलिए गाइस, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और आज काफ़ी दिनों के बाद, तो आप लोग अगर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। नो। गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नया दुकान खुला था, तो मैं सोचा कि एक नो बर्गर आधा आधा टेस्ट करवा दें, नो पिज़्ज़ा, नो चौमिन, इसमें चौमिन तो आप नहीं खाइएगा, देखिए कैसा लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट ले रही हैं, और यहाँ पे जेरी भी है। और गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी धर्मपत्नी आज अपनी कलर का बना रही हैं, सब्जी क्योंकि है भिंडी का सब्जी, किसको किसको भिंडी पसंद है कमेंट कीजिएगा। और तो चलिए जी, खांसी था मेरा, इग्नोर कीजिए इसको। यहाँ पे कटहल का सब्जी गर्मी में बना है क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, और शायद रंजना को पसंद है। रंजना, आपने दही उसमें जमाया है लोहा में, तो इसलिए तो गलत हो गया ना? नहीं, इसमें और ये यही तो गलत हो गया। चलिए बता दीजिए इसी बात पे, क्या हम लोगों को कर्ड कौन बनाता है, कौन सा बैक्टीरिया? एंटी बैक्टीरिया, नया नाम सुनने को मिला है, एंटी बैक्टीरिया। क्या कर्ड? लैक्टोबैसिलस। और इस साइड आप लोग जैसे ही एंट्री करेंगे, हमारा प्यारा सा, अभी यहाँ पे दरवाजा नहीं लगा है, लेकिन जितना भी है अभी लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसा है इसका डिजाइन, और इसके लिए छोड़ा गया है जगह, और ये है हमारा, कितना खूबसूरत, यहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम हुआ है, तो ये अच्छा, वहाँ पे टाइल्स लगा इसलिए थोड़ा सा ये साइड हो गया है, और इस तरह से हमारा उधर का जो
पीछे का अभी अंधेरा है, रहने देते हैं। उधर का काम कुछ ऐसा चला है और ये हमारा पूरा जो है कल पूरा अरेंज होने वाला है, और जब हो जाएगा तो आप लोग को दिखाएंगे। लाइट जब जलता है ना तो पूरा एकदम लाइट हो जाता है, एकदम भर जाता है। उधर का पूरा जलेगा। अभी देखिए, अभी तो कम ही जलाया है ना, तो इस साइड का हो रहा है ऐसा लाइट है। ये डिज़ाइन कुछ ऐसा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जिसको भी काम करवाना होगा यूपी का, वो सब हो सकता है। इधर का सब रिपेयरिंग अभी हो रहा है, ये सब भी हो जाएगा फाइनल। तो चलिए मम्मी से कुछ बात करते हैं, कैसा लगा उनको आज, आज का दिन। अब तो थोड़ा सही हो गया है सब कुछ। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं। मम्मी क्या हो रहा है अभी, डाल रहे हैं कुछ। चलिए बताइए कैसा लगा आज आपको भाभी का वीडियो देख के और पापा जी का मस्ती देख के। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। पापा बार बार पानी में गिर रहे थे। आप वहाँ पे रहती तो क्या मस्ती होता अपना? नहीं, जेंट्स लोग खाली था, लेडीज लोग वहाँ का करते नहीं जाते हम सब। लेडीज लोग तब जाता जब भाभी जाती हैं, आप जाते हैं और रंजना जाती है, तब ना पानी वाला डांस। चलिए और बताइए, आप दबा खाना भी छोड़ दिए, ऐसा क्यों किए? नहीं खाए तो मुड हल्का है मेरा, खा रहे थे तो पूरा भारी भारी लग रहा था। आपके चश्मा में दिख रहा है मोबाइल का टाइपिंग। तो चलिए अभी कुछ बिजी हैं मम्मी, थोड़ी देर के बाद अभी बात करते हैं इनसे जो कि कुछ। हाँ, एक कमेंट आ रहा है मम्मी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कमेंट ये आ रहा है कि पूजा का फंक्शन है, मम्मी इतना क्यों एक्टिव है? तो इन लोगों को बता दीजिए कि किसको आप इनवाइट किए हैं। वो जो नतनी है, नतनी है मम्मी, हाँ जो नतनी है वो सिर्फ आपकी है या मौसी लोगों की भी हैं? सबका। तो कमेंट आ रहा है कि आप क्यों इतना एक्टिव हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो दीदी, खुश हो? कहाँ थी जी, फोन नहीं उठाई। भाभी का फोन आया तो थोड़ा बात कर लेने दिया जाए। यहाँ पे पंखा चल रहा है, जैसे लग रहा है कि तम गर्म का हमारे हालत ख़राब है। इस रूम को थोड़ा ठंडा कर दे रहे हैं ताकि रंजना भी आएगी थोड़ी देर में। और रंजना क्या बोलना चाहोगी, तुमको भाभी क्या क्या सिखाई हैं? बोल रहा है ना कि सब भाभी सिखाई हैं। मतलब तुम बदल गई है भाभी की वजह से, ऐसा कुछ है क्या? नहीं प्लीज़, आप लोग ऐसा मत कीजिए ताकि उनको भी बुरा लगेगा, करने के मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसमें जोर से बोलना, इसमें उनकी क्या गलती है? और वो मुझे, मैं कोई थोड़ी बच्ची हूँ जो मुझे सिखा रही कुछ भी कि नहीं। हाँ, जहाँ गलत होता वहाँ पर वो सिखाती है कि नहीं रंजना ऐसे वैसे करो, तो वो चीज़ सही है। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि रंजना, आप लोग नहीं कुछ लोग सॉरी, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं रंजना वहाँ गई है तो सब पूरा बदल गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको ये यही बोलेगी कि दीदी, बड़ी दीदी आप होंगी या छोटी बहन होंगी, आपको बस इतना ही बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, भाभी कुछ इनको सिखाई नहीं है। और वो क्या सिखाएंगी, मतलब ऐसा होता है ना, ये क्या सिखाएंगी कि घर अपना बिगाड़ लो, ऐसा कुछ नहीं। और कोई भी अपने घर के बारे में ऐसा क्यों बोलेगा, चाहे कहेगा। तो थोड़ा सा लेट हो जाता था उठने में, वो भी क्यों, तो रात में ज़्यादा देर जगना हो जाता था इस वजह से। अभी जो है आप लोग को टाइमिंग भी देखने को मिल रहा होगा कि कितने बजे। अब तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे तक, ज़्यादा लेट भी नहीं होता है 5 बजे, नहीं तो सारे, क्योंकि हम लोग घर में सिर्फ 2 जने हैं, 3 जने हैं, तो इसीलिए ज़्यादा उठना नहीं रहता है अपना। तो कुछ बोलना चाहोगी कि भाभी का, भाभी आने वाली है उसके लिए, या दीदी आने वाली है, सब लोग आने वाला है? सब लोग आने वाले, दीदी भी आने वाली है, मनीषा दीदी आने वाले, सब लोग आने वाले हैं। तो अभी हम लोग पूरी फैमिली इकट्ठा होने वाले हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम लोग कहीं साथ में, साथ में हो सकता है तो हम लोग कहीं बाहर ही जाएंगे, जैसा कि अभी प्लान कुछ बना नहीं है, लेकिन जैसे ही बनेगा वैसे ही आप लोग को देखने को मिलेगा ब्लॉग में। चलिए गए, तब तक लेके चलते हैं वीडियो को आगे। अभी शायद बात हो रहा है। तो मम्मी इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आप क्यों बुला रही हैं सबको? क्योंकि वो उन लोगों के पास नंबर नहीं है, कौन याद कर रहा है भाई, हिचकी आ रहा है, बोलिए ना मम्मी। नहीं,
टूट जाएगा ये एगो बोर्ड। कॉल कीजिए हम चले जाएं। नहीं हम अपने चैनल में बोलेंगे, हम अपना ब्लॉग में बोलेंगे, इसलिए कि ऑडियंस मेरा हमारे मुंह से सुनना चाहता है मेरे ब्लॉग में। तुम छिनगा दिया है हमको, इसलिए तुम अभी भी आज कमेंट किए सबके पैसा के लिए नहीं बोल रही हैं, तुम्हारे ब्लॉग में पैसा के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारा कोई भी हम बात बोल रहे हैं जिससे तुम्हारा जो भी ऑडियंस अब आया है न्यू वाला वो हम पर भड़क जा रहा है, उससे अच्छा कि हम नहीं बोलेंगे, हम अपना ब्लॉग पे बोलेंगे, जो हमको सुनना होगा हम सुनेंगे सुनाएंगे, बात खत्म। ठीक है तो मम्मी ऑडियंस के हिसाब से आप चली जाएगी, आप अपने लड़का के हिसाब से चली जाएगी। नहीं लड़का कहाँ मेरे हिसाब से चल रहा है, तो आप अपने लड़का को सपोर्ट नहीं कीजिएगा? कर दिए हैं सपोर्ट, बिना सपोर्ट का 4 लाख नहीं हो गया है। बोलिए ना मम्मी क्या टाइम पास करने लगती हैं, 4 लाख सब्सक्राइब। बोलिए क्या लिए आप इनवाइट कर रही थी? उस चैनल से भी हमारा हट गया नाम। कहाँ हटा है नाम? यही बात है कि अभी मैं इतना, मुझे लगा था कि मम्मी अभी बोलेंगी कि क्यों इनवाइट करिए, मैं मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरे हिसाब से कि यहाँ का जितने भी मामा हो गए लोग, मामा के घर के लोग हो गए, सब लोग जितने भी घर के हम लोगों के पड़ मतलब जितने भी रिलेशन में हैं वो ज़्यादातर मम्मी का बात मानते हैं लोग, और उनके पास नंबर भी है मम्मी का, मम्मी के पास नंबर है उन लोगों का, तो इसलिए सब लोग आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एक एक करके, और कल घर जब अरेंज हो जाएगा, कल परसों 2 दिन में अरेंज हो जाना चाहिए, उसके बाद एक एक करके सब लोग आएगा, और देखते हैं कि इस बार मेरी भांजी का पहला जन्मदिन है तो इस बार बहुत स्पेशल होने वाला है, कुछ मैं भी सोचा हूँ वो आप लोगों को देखने को मिलेगा धीरे धीरे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, और कोई भी इसमें नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, जो भी है मुझे बोलना होगा आप लोग मुझे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कल का ब्लॉग आप लोग इंतज़ार कीजिए, कल बहुत बड़ा जो है वो बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा, सुनने में मिलेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे मम्मी को सोच रही हैं ऐसे करके, बाय बाय।